उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कठोच को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें उत्तराखंड के इतिहास और साहित्य संकलन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच इतिहास के विशेषज्ञ व जानकार हैं। उत्तराखंड के इतिहास को लेकर उन्होंने काफी कार्य किया है और वह इसे किताबों के माध्यम से दुनिया के सामने लाए। आज भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके द्वारा लिखित किताबों को संदर्भित करते हुए प्रश्न बनाए जाते हैं। डॉक्टर कठोच बतौर इतिहास विशेषज्ञ समय समय पर लोक सेवा आयोग में भी बुलाए जाते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच पेशे से शिक्षक थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय पुस्तक लेखन और उत्तराखंड से जुड़े इतिहास को खोजने में बिता दिया। उनका जन्म पौड़ी जिले के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव में 27 दिसंबर 1935 को हुआ था। वहीं बचपन से ही पढ़ाई में होशियार कठोच ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। उन्होंने वहीं से प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विषय से भी एमए व डी फिल किया। पौड़ी से संवाददाता मुकेश पछेती की रिपोर्ट। इस अवसर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे कि किसी तपस्वी को, किसी साधक को अगर उसकी साधना का फल मिले तो जैसे खुशी उसे होती है, ये खुशी मुझे हुई। मैंने जो 1977 से ये काम शुरू किया था, इतिहास में, पुरातत्व में, संस्कृति में, अभिलेखों में, पुरातत्व के क्षेत्र में, उसकी परिणति जो इस पुरस्कार के रूप में हुई उससे मुझे प्रसन्नता। आज सुबह से ही हमारे घर पे बहुत सारी कॉल्स आ रहे हैं, जब हमें पता चला कि हमारी दादाजी को सर्वोच्च पुरस्कार में से एक पद्मश्री के लिए सम्मान किया जा रहा है और बहुत सारी बधाइयां भी हमें काफी लोगों से मिल रही हैं। उनका कार्यकाल जो जीवन भर करते रहे, आज उनका फल उनको मिल गया है और हमारा पूरा परिवार इस बहुत सारी बधाइयां भी हमें काफी लोगों से मिल रही हैं उनका कार्यकाल जो जीवन भर करते रहे आज उनका फल उनको मिल गया है और हमारा पूरा परिवार इस चीज को लेकर बहुत खुश है। हमारे ससुर जी ने जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया, इस काम से हम खुश हैं। जिंदगी भर उन्होंने लिखने का काम किया, हम उससे बहुत तो करते थे कि ये लिखते रहते हैं, हमारे बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, केवल अपने को ज्यादा उसमें रखते हैं। आज हमने समझा, हमारा सारा परिवार खुश हुआ। मेरे को ऐसा पता चला सुबह में, मेरे ही मोबाइल में आया किसी का मैसेज कि तुम्हारे ससुर जी को पुरस्कार मिलने वाला है।